मैं करता हूँ सब <coughs> good evening friends. Good evening, friends. Yeah, good afternoon. Yeah, exactly. Okay. Good afternoon, friends. <coughs> <coughs> Chalaki start. So, कल क्या पढ़ रहे थे अपन ये लोग याद है क्या आपको क्या पढ़े थे कल चलो <coughs> एक पांच मिनट में कल का रिवीजन कर लेते बच्चों चलेगा है ना आपके पास टाइम है ना थैंक यू बच्चों व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रीफाइजेज मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा मैं नहीं सुन रहा तो कोई तो सुन रहा है आपको ओके वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग कॉस्टिंग का डेफिनेशन वेरियस ऑब्लिक टेक्निक्स फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट या प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग इज नोन एज कॉस्टिंग अभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी बाद में आने वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का समझ रहा है क्या डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो भी भी हम फॉर्म में में लिखने वाले बाद सब जो चीज का सबका टाइम आएगा बराबर अब समझ रहे बच्चों अभी हमने कॉस्ट का डेफिनेशन कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट अलॉकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और रेंडरिंग सर्विसेस इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग चलो मुझे फटाफट थ्री डिफरेंसेज बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू आप बताओगे कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू

वैल्यू ओपिनियन है कॉस्ट इज असर फ्रॉम मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्राइस फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू हो गया फिर डिफरेंस ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ये कल का मेन क्वेश्चन था अपना कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट याद है क्या बच्चों तो ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स वी हैव क्लासिफाइड द कॉस्ट नाइन ऑन नाइन ग्राउंड्स वी हैव क्लासिफाइड द कॉस्ट तो टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट एक्सप्लीसिट कॉस्ट एंड इंप्लीसिट कॉस्ट ये थे टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग द रिलेवेंट कॉस्ट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हिस्टोरिकल कॉस्ट करंट कॉस्ट बजटेड कॉस्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी नॉर्मल कॉस्ट अबनॉर्मल कॉस्ट

वैसे सेलिंग के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन का भी एडमिनिस्ट्रेशन होता ही है मार्केटिंग का भी एडमिनिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है ना एडमिनिस्ट्रेशन समझता है ना आपको यस और नो ओके नेक्स्ट टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट जो हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बोलो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल

इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल प्रोपराइटर का जो टाइम जा रहा है उसके बदले में समझ रहे हैं ना वो कुछ नहीं ले रहा है आपको नो yes no. उसके बाद में हमने कल डिस्कशन स्टार्ट किया था बस वो कौन सा था टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यहाँ तक कल हम पहुंचे थे बराबर है

कॉस्ट विच डेंोडक्शन मतलब के साथ हो सकता है अब एक महीने का रेंट और एक क्वार्टर का रेंट तो अलग रहेगा तो चेंज होगा ना यार करेक्ट और नॉट ये समझो मेरी कंपनी में सुपरवाइजर है तो उसको एक महीने का कितना पेमेंट करना है एंड एक क्वार्टर का कितना पेमेंट करना है सुपरविजन कॉस्ट इज डिफरेंट और नॉट सुपरविजन कॉस्ट फॉर वन मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम सुपरविजन कॉस्ट फॉर क्वार्टर सुपरविजन कॉस्ट ऑफ टू डिफरेंट फ्रॉम सुपरविजन कॉस्ट फॉर ईयर मतलब सुपरविजन कॉस्ट अलग अलग है बट किसके साथ टाइम पीरियड के साथ किसके साथ? बट किस जो नंबर ये जो प्रीमाइसिस इंश्योरेंस किया हुआ है क्या लिया है फायर इंश्योरेंस किया हुआ है समझ रहे क्या? समझो उसके लिए मैंने HDFC Argo को पेमेंट किया है लेट से थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज क्या पेमेंट किया है

प्लस पचास रुपए पर स्टूडेंट कमीशन मिलेगा ध्यान दे रहे हो क्या तो आप बताओ उसका जो पे मनी पेबल टू हर है मेरे लिए। मेरे लिए लिए कॉस्ट है ना कौन सा कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट है अच्छा वेरिएबल है क्या है वेरिएबल क्या कॉस्ट है समझो एक महीने में उसको टोटल पेमेंट हुआउेंड फाइव हंड्रेडीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से फिफ्टीन तो फिक्स ही था ना प्लस ऊपर जो पेमेंट हुआ वो क्या था वेरिएबल विच वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स

टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड इसके सामने थोड़ी सी यहाँ पे जगह ब्लैंक छोड़ देना यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट आपको एग्जाम थोड़ा कुछ एडिशनल नॉलेज देता हूं ग्राफिकल फॉर्म में तो आप ऑलरेडी जानते हो अगर आप फाउंडेशन से हो तो ध्यान दे रहे हो यहाँ पे तो आप मुझे बताओ अगर समझो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है क्या है एंड ये एक्स एक्सिस है तो समझो एक्स एक्सिसूम ऑफ प्रोडक्शन क्या लेता हूं पे मैं लेता हूँ अमाउंट वाई एक्सिस क्या लेता ध्यान दे रहे हो क्या तो बताओ बच्चो ये कॉस्ट तुम्हारे हिसाब से कौन सा जा रहा है क्यों बच्चों ये था देखो हजार दो हजार तीन हजार चार हजार कुछ भी रहने दो दैट कॉस्ट इज रिमेनिंग सेम और नॉट दैट कॉस्ट इज रिमेनिंग सेम और नॉट नंबर ऑफ इनिश प्रोड्यूस कितने रहने दो दैट कॉस्ट इज रिमेनिंग सेम और नॉट वो कौन सा था फिर फिक्स कॉस्ट

सेमी वेरिएबल कॉस्ट है बट टोटल कॉस्ट है क्यों सेमी कॉस्ट के अंदर कुछ पोर्सन कुछ पोर्शन तो समझो ये बताओ मैंने जीरो बनाए तो पांच लाख टोटल कॉस्ट है जीरो तो तो पांच लाख टोटल कॉस्ट है भाई क्योंकि पांच लाख तो फिक्स कॉस्ट है ये और नो एंड उसके बाद में जैसे जैसे मैं यूनिट्स बनाना यूनिट्स प्रोड्यूस बढ़ा रहा हूं कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं

अरे टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा कॉस्ट। तो तो कभी कभी आपको लग सकता है कि नहीं, कम गया, तो मैंने हर चैप्टर के बाद चार पांच पेजेस ब्लैंक छोड़े और समझा के मैं क्या बोल रहा हूँ हर चैप्टर के बाद और सेफर साइड चार पांच पेजेस ब्लैंक छोड़े हुए ध्यान दे रहे हो क्या और एक मुझे बताना था कि कुछ कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये बुक में हमको लिखना बहुत मुश्किल जाता है तो तो क्या करने का ये बुक लेके किसी जेरोस शॉप पे जाने का और उसको बोलना कि भाई ये इसको ले और इसको स्पाइरल बाइंडिंग करके दे क्या करके दे स्पाइर बाइंडिंग समझ है क्या स्पाइरल बाइंडिंग वो लिखने में आसान हो जाता है पूरा पेपर खुल जाता है ना फिर उस पर स्पाइरल बाइंडिंग दस रुपए दस पंद्रह रुपए लगता है पर बुक का आप समझ रहे हो ना स्पाइरल बाइंडिंग करके लेने का उसका तो थोड़ा आपको लिखने के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा समझा क्या चलेगा ना उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना आप थैंक यू बच्चों, ओके तो चलो फिक्स कॉस्ट क्या होता है वो लिखते हैं। द कॉस्ट विच डजंट चेंज द कॉस्ट विच डजंट चेंज द कॉस्ट विच डजंट चेंज विथ विथ वॉट बोलो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन द कॉस्ट विच डजंट चेंज with a change in volume of production is known as bolo bachcho is known as fixed cost acha bachcho le ye volume of production hai na uski jagah kabhi kabhi wo wording use karte hai level of activity kya wording use karte hai तो अगर मैं समझो आपको बोला, the cost which doesn't change with a change in level of activity to aap yahi samjhoge ki level of activity matlab मतलब kya

विथ चेंजेस बोलो विथ बोलो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन द कॉस्ट विथ चेंजेस विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन इन सेम प्रपोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेम प्र मतलब जिस प्रपोर्शन में आउटपुट बढ़ा उसी प्रपोर्शन में कॉस्ट बढ़ना चाहिए नहीं समझा आपको समझो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस डबल हो गए तो वो कॉस्ट भी डबल होना चाहिए तो ही वो वेरिएबल है तो ही वो क्या है वेरिएबल है द कॉस्ट विच चेंजेस विच चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रपोर्शन इज नोन एज इज नोन एज बोलो मेरे भाई वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट बहुत टफ लग रहा है क्या बच्चों सुनने को क्या समझने को बहुत टफ लग रहा है

एंड एंड पोर्शन इज वेरिएशन ऑफ द कॉस्ट इज फिक्स एंड पोर्शन इज वेरिएन कॉस्ट इज सेड टू बी कॉस्ट इज सेड टू बी बोले मेरे भाई कॉस्ट इज सेड टू बी सेमी वेरिएबल इन नेचर या ठीक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट इज टू बी सेमी वेरिएबल इन नेचर आर अभी जो हमने डिस्कस किया दीज वेर टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दीज वेर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर थोड़ा बहुत कुछ गया है दिमाग में बच्चों ये फुल डिप्रेशन आ रहा है नहीं ना समझा आपको ये ओके तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ नेचर था फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट समझा आपने ग्राफ ड्रॉ किया है क्या करना है तो करो नहीं किया तो ऐसे कोई एग्जाम में नहीं आने वाला लिए समझ रहा है कि आपको पॉजिटिवली स्लोप लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है वो लाइन आपने आप इसको इकोनॉमिक्स में टीवीसी बोलते रहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो टीएफसी है क्या है टी एफ सी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट डू यू एग्री माई फ्रेंड्स यस और नो कुछ ज़्यादा है दिमाग में डू यू पे चेंज लिखा के सब लोगों ने बोला करो कुछ तो ओके okay. अभी ये कुछ ये रीडेबल है क्या ये रिडेबल है क्या या नहीं बहुत खराब है रेटिंग ये, बहुत अच्छी बोलने का क्या बोलने का बहुत अच्छा ऐसे बोलने के ओके okay? <coughs> तुम बोलते हो बस सेल्फ क्लेम्ड यस yes. कोई बात नहीं पढ़ने नहीं आ रहा तो मैं हूं ना यहाँ पे अच्छा चलो सब लोग ध्यान दो अब यहाँ पे पूरा हंड्रेड परसेंट ध्यान है इधर अच्छा ये सब लिख के हो गया एंड कुछ रहा कुछ लिख रहे हो कुछ है तो बताया करो मुझे आपको जैसे लग रहा है मेरा चेहरा देखिए उतना खड़ूस भी नहीं हूं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ बराबर है ना क्या लगता है आपको हाँ बेटा चाहिए भाई ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड क्या दिख रहा है नंबर ऑफ हुआ है कुछ कॉस्ट है समझो यहां पे अभी रेंट है पहला क्या है रेंट में दस हजार यूनिट्स बनाए रेंट कितना है ट्वेंटी लैक्स बीस हजार यूनिट बनाए रेंट कितना है ट्वेंटी लैक्स तीस हजार यूनिट बनाए रेंट कितना है ट्वेंटी लैक्स ,00 तो ये देखते हुए आपको क्या लग रहा है रेंट कौन सा कॉस्ट है तो रेंट हमेशा ही फिक्स कॉस्ट होता है या यहां पे फिक्स है तो जब भी हम कोई कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना तो उस प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं बस समझा या नहीं हमारे पास ऐसा टैग नहीं है कि भाई ये फिक्स ये वेरिएबल ये सेमी वेरिएबल टप्पा लगा के रखा है तो कि हमने ऐसे नहीं कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट समिक्स इट कैन बी समटाइम्स वेरिएबल समटाइम्स इट कैन बी सेमी वेरिएबल वो तो तुम्हारा अरेंजमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है ना यार

आपके कलेक्शन का टेन परसेंट समझ रहे हो क्या हाँ बताओ मेरे लिए रेंट फिक्स्ड है अच्छा उसके लिए रेंट पेबल कौन सा कॉस्ट है फिक्स्ड है वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट है यस और नो बट समझो मैंने उसको बोल दिया कि भाई दस लाख रुपए पर मंथ तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को पढ़ा दो स्टूडेंट को पढ़ा पढ़ा मत यस और नो अब रेंट कौन सा कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट कैन इट बी सेमी वेरिएबल यस मैं समझो बोल रहा हूं भाई एक काम कर पांच लाख रुपए फिक्स प्लस रेवेन्यू का तीन परसेंट रेवेन्यू का तीन परसेंट अब उसके लिए रेंट पेबल कौन सा कॉस्ट है सेमी वेरिएबल तो कोई कॉस्ट पे हम लोग टैग नहीं लगा सकते कि ये फिक्स है ये वेरिएबल है ये सेमी वेरिएबल है वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा इज दैट क्लियर मुझे इस सिचुएशन में बताओ रेंट कौन सा कॉस्ट है बोलो फिक्स कॉस्ट तो मैं नेचर ऑफ कॉस्ट में लिख रहा हूं फिक्स कॉस्ट आपके पास है ना नोट्स ये फिक्स कॉस्ट समझ रहा है कि आपको जिसके पास नहीं है नोट्स नोटबुक लिख रहे हैं वो छोड़ दो आपसे भी इधर देखो जब आपको नोट मिल जाएंगे तब ये लिख लेना चलेगा ना सुपरविजन कॉस्ट ओके चलो दस हजार यूनिट्स बनाए प्लीज प्लीज ध्यान दो बच्चों सब लोग दस यूनिट्स बनाए तो सुपरविजन कॉस्ट कितना है पांच लाख बीस यूनिट्स के लिए छह लाख तीस यूनिट्स के लिए सात लाख तो ये फिक्स्ड है वेरिएबल है सेमी वेरिएबल सेमी वेरिएबल अच्छा ये चेंज हो रहा है बच्चों हाँ अब सुनो अब सुनो चेंज हो रहा है तो इतना तो पक्का समझाए किस ओपन है ये वेरिएबल है या सेमी लोग अच्छे से जान दो मुझे बताओ दस अरस के लिए कितना था वो पांच लाख तो पांच लाख डिवाइडेड बाय दस हजार का आंसर बताओ पांच लाख डिवाइड बाय दस हजार बोलो ना यार पचास रुपए पर यूनिट पचास रुपए तो बताओ बीस हजार इंटू पचास का क्या दस लाख ये लाख है क्या सामने नहीं है इसका उसके अंदर कुछ तो फिक्स रहेगा नहीं समझा आपको एंड कुछ तो वेरिएबल रहेगा अच्छा ये पूरा का पूरा वेरिएबल होता तो है तो दस अर के लिए अगर पांच लाख है तो बीस अर के लिए दस लाख होता ना यस और नो अगर ये पूरा का पूरा कॉस्ट वेरिएबल होता तो अगर दस पांच लाख है तो, के लिए कितना होना दस तो ये कौन सा आप तो आप मुझे बताओ मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सही है क्या आप मुझे बताओ ध्यान दे रहे हो क्या उचो? कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस रहने दो अगर कॉस्ट चेंज हो ही नहीं रहा है तो फिक्स कॉस्ट है समझा क्या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितने भी रहने दो अगर पर यूनिट हमेशा सेम है तो वो वेरिएबल है नहीं समझा आपको पर यूनिट्स हमेशा सेम है तो वो क्या है बोलो वेरिएबल चलो देखते हैं सेलिंग कॉस्ट सब लोग इधर ध्यान दो आठ लाख आठ लाख डिवाइडेड बाय दस हजार आंसर दो इज इट एट्टी रुपीज पर यूनिट सिक्सटीन लैक्स डिवाइड बाय ट्वेंटी आंसर इज एट्टी पर यूनिट ट्वेंटी फोर लैक बाय थर्टी आंसर इज एट्टी पर अब बताओ ये फिक्स है वेरिएबल है सेमी वेरिएबल समझा क्या ये क्या है वेरिएबल इट्स तो आपको समझा होगा अभी तो बाकी लोगों को समझा क्या भी? आप बताओ कुछ लोग मुझे कल पूछे थे कि सर सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है मतलब क्या? मुझे बताओ दस हजार यूनिट्स के लिए आठ लाख तो बीस हजार यूनिट्स के लिए सोलह लाख ये सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा कि नहीं हम लोग ऐसे करते बचपन में दो मैंगो दस रुपए को तो चार मैंगो 20 रुपए को तो हम प्रपोर्शनेटली प्राइस बढ़ाए ना क्या बढ़ाए प्रपोर्शनेटली पूरा प्राइस बढ़ाए कि नहीं तो जब किसी ने बोला कि भाई साहब दो मैंगो दस रुपए में मिलेंगे तो हम उसको पूछे क्या चार मैंगो कितने में मिलेंगे हम क्या एज्यूम किए बोलो दो रुपए अगर दो मैंगो दस रुपए में बोल रहा है मतलब चार मैंगो 20 में रहेंगे हमने क्या बढ़ाया प्रपोर्शनेटली बढ़ा दिया ना वो यस और नो अब बताओ दस हजार यूनिट्स का सेलिंग कॉस्ट कितना है बोलो आठ लाख बीस हजार नहीं सेम में बढ़ा कि नहीं, नहीं तो जो सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है वो कॉस्ट कौन सा है बोलो वेरिएबल कॉस्ट तो क्या ना इसे इन फिक्स कॉस्ट टोटल रिमेन सेम इरेपेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेमेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस नहीं समझ रहा है आपको

तो ये जो भी कुछ है हजार बच्चे बैठने के लिए मैं समझो पांच हजार दे रहा हूं ध्यान दे रहे हो क्या तो ये पांच लाख क्या है कॉस्ट एंड उसके बाद में सुन रहे हो क्या मुझे पर स्टूडेंट स्टडी मटेरियल इश्यू करना है तो ये तीन बुक्स का प्रिंटिंग कॉस्ट है सेवन हंड्रेड रुपीज कितना तो आप बताओ ये बैच कंडक्ट करने का मेरा जो टोटल खर्चा है उसका नेचर क्या है फिक्स्ड है वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है क्यों सेमी वेरिएबल है क्योंकि इसका कुछ पोर्शन फिक्स है एंड कुछ पोर्शन वेरिएबल तो आप बताओ फिक्स पोर्शन कितना था उसका बोलो पांच लाख एंड वेरिएबल पोर्शन क्या था सेवन हंड्रेड पर स्टूडेंट तो आप बताओ ये प्रिंटिंग कास्ट सात सौ रुपए पर स्टूडेंट है कि नहीं तो मेरे बैच में एक स्टूडेंट है तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना सात सौ दो स्टूडेंट फोर्टीन हंड्रेड तीन स्टूडेंट टू थाउजेंड वन हंड्रेड चार स्टूडेंट टू थाउजेंड एट हंड्रेड पांच स्टूडेंट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है क्या किस प्रपोर्शन में बढ़ रहा है जिस प्रपोर्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे उसी प्रपोर्शन में प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है जिस प्रपोर्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे उसी प्रपोर्शन में प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है क्या प्रॉब्लम भाई जिंदगी में बैठो ना बिना बैठू नहीं को समझना चाहिए अपन इतने बच्चों को पहले डिस्टर्ब कर रहे थोड़ा बैठ जाओ चुपचाप करके कहीं तो या दूसरे हॉल में जाते हैं करे कंटिन्यू बेटा सर करो कंटिन्यू थैंक यू सर करे कंटिन्यू ओके आप आप ये टिपिकल पुणे कहाँ से बेटा तुम पुणे क्या तो अरे यार मुझे तो पुणे एटीट्यूड लगा पुणे पुणे में अप्रोच है मेरी गाड़ी इधर रहेगी बाकी भाड़ में जाए बराबर है कि नहीं बाकी भाड़ में जाए बराबर है कि नहीं मैं ऐसे जाऊंगा इधर बराबर है कि नहीं चलो करे कंटिन्यू हम लोग yes. किसी को बुरा लगा रहेगा तो मैं भाई थोड़ा जोक वोक कर लेता हूं कभी मैं तो बोलेगा नहीं सर हम कि नहीं इंडिया में ट्रेंडिंग है ना है आजकल वो कौन से सेंटेंस से किसका मन दुखेगा भरोसा नहीं आजकल है नहीं? चलो चलो मैं प्रिंटिंग कॉस्ट का दे रहा था तो एक स्टूडेंट है मेरे बैच में प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है 700. दो स्टूडेंट yes no. तो किस प्रपोर्शन में बढ़ रहा है जिस प्रपोर्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे yes no. तो आप मुझे बताओ समझो मेरे बैच में हजार स्टूडेंट्स है पांच सौ है छह सौ है प्रिंटिंग आंसर तो हमेशा सात सौ आने वाला है ना तो आप मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट में क्या ना इसे टोटल चेंज कभी नहीं होगा बट पर यूनिट तो चेंज होता रहता है नहीं समझा आपको है. मुझे बताओ रेंट मेरे लिए पांच लाख था कि नहीं फिक्स तो जैसे जैसे मेरे बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे रेंट पर स्टूडेंट कम 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 होते जा रहा है कि नहीं? आपको लग yes no. right. तो रहा मुझे रेंट पर स्टूडेंट कम लग रहा है क्या टोटल रेंट कम लग रहा है रेंट पर स्टूडेंट कम लग रहा है क्यों क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर तो पर स्टूडेंट कम हो रहा है कि नहीं मेरे लिए रेंट बट टोटल रेंट तो उतना ही रहेगा ना तो आप बताओ व्हाट वॉट चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में क्या चेंज नहीं होता है हाँ बोलो टोटल चेंज नहीं होता है बट क्या चेंज होता रहता है पर यूनिट क्या चेंज होता रहता है पर यूनिट एंड वेरिएबल में क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है वेरिएबल में हाँ बोलो टोटल चेंज होगा बट

इट्स क्लियरली बोलो सेमी वेरिएबल कॉस्ट डू यू एग्री माई फ्रेंड्स चलो मेंटेनेंस कॉस्ट में बताओ हाँ बोलो दस हजार इंट के लिए पांच लाख बीस हजार के लिए पांच लाख हजार के लिए पांच लाख तो ये कौन सा कॉस्ट है कॉस्ट कॉस्ट क्या है बोलो आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स अच्छा समझो मैंने एक कंपनी को सुन रहे हो क्या आप एक्सपर्ट के छह सात क्लासरूम का मैंने बोला है भाई सारा मेंटेनेंस तुमने संभालने का मेंटेनेंस मतलब समझ है ना Bench खराब हो गया इलेक्ट्रिक चल नहीं रहा है जो भी है पूरा मेंटेनेंस करने का साल भर तुम्हें तो पांच लाख रुपए में पेमेंट करूंगा एंड वो हर साल में पांच लाख रुपए देते दे रहूंगा जिसको कभी कभी एएमसी भी बोलते हैं हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बोलते ना कि मैंने भाई एएमसी दिया है क्या बोलते हैं मतलब कुछ खराब होगा मैं किसी को तो बुलाऊंगा वो काम करेगा फिर मैं उसको पैसा दूंगा कोई झंझट ही नहीं ना मेरे पास क्यों झंझट नहीं है मैंने एएमसी दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दिए हुए हैं

वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन उसके सामने क्या लिखा है मैंने नीचे बोलो इंक्रीजेस मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बढ़ रहा है या कम हो रहा है ध्यान दे रहे हो क्या मुझे बताओ कैन आई से फिक्स में टोटल में इज नो चेंज डू यू एग्री पहले समझो बाद में लिखो इनफैक्ट समझा तो ही कॉपी करो नहीं समझा तो डाउट पूछो कैन से देर इज नो चेंज क्यों नो चेंज फिक्स कॉस्ट है नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करो कम प्रोड्यूस करो कुछ भी करो

तो ये टेबल से आप मुझे अब ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या चेंज हुआ ये नीचे क्वेश्चन क्या है बताओ बोलो कॉस्ट चेंजेस विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आंसर यूनिट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन नहीं समझा आपको फिक्स बोलो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एंड बोलो

ऐसा कौन सा मैं कुछ अलग बता रहा हूँ यार बेसिक चीजें है ना ये चलो बोलो वॉट डेंज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वॉट डेंज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट का टोटल एंड वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट चेंज डेंज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वॉट चेंजेस विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट का टोटल चेंजेस विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन समझा क्या चलो ये ऊपर का टेबल कंप्लीट किया क्या आपने फिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिखा क्या कुछ समझ के लिखा है या टाइम पास किया समझ के लिखा है अच्छा ये टेबल कंप्लीट कर रहे हो क्या आप हो गया बाकी थोड़ा लोग लिख रहे हैं तब तक मैं वेट करता हूँ चलेगा ना अब तक तब तक कुछ नया फॉर्मूला इन्वेंट करो आप ठीक है बच्चों टू और अच्छा आज भी कुछ प्रॉब्लम है क्या ए सी का वगैरह हा? तो हाँ प्रॉब्लम तो रहेगा ही ना हम्म क्या प्रॉब्लम है अभी टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो हम्म बढ़ाओ या कम करो क्या करो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है क्या हुँ? अच्छा ठंड लग रहा है गर्म हो रहा है इसको तो ठंड लग रहा है बेटा अब क्या करें कुछ लोगों को गर्म हो रहा है कुछ अभी क्या कुछ कुछ जगह हॉट लोग बैठे हैं कुछ कूल बैठे है क्या करें है कि नहीं अलग अलग है ना अब क्या करेंगे चलो ये लिखा क्या सब लोगों ने लिखा क्या okay. चलो उसके नीचे है विच कॉस्ट चेंजेस विद अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आप आंसर दो इसका बोलो क्या चेंज होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं टोटल कॉस्ट बोलो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ बोलो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एस और नो अच्छा कहना इसे ही है ये जो ऊपर के टेबल में लिखा वही है बस वापस लिख रहे हैं यहाँ पे टेक्सुअल फॉर्म में टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड हाँ विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे थे भाई यस और नो तो ये कॉस्ट चेंज होता है बोल है और क्या चेंज होता है बोलो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बराबर है ना बच्चों फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बोलो इंक्रीजेस फिक्स कॉस्ट पर या तो ऐसे लिखता हो ये वर्डिंग ऐसे लिखता हूं एक ध्यान दे रहे हो यहां पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज मोर व्हेन देयर इज लेसर प्रोडक्शन नहीं समझा आपको ये क्या व्हेन देयर इज बोलो लेसर प्रोडक्शन एंड इसका अपोजिट स्टेटमेंट बताओ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज लेस बोलो इज मोर प्रोडक्शन या हाई प्रोडक्शन ज्यादा प्रोडक्शन रहे तो रहेगा तो फिक्स पर यूनिट कम होता जाएगा ना समझा क्या पक्का बच्चों तो मुझे मेरे सिंपल क्वेश्चन का वापस आंसर दो व्हाट चेंजेस क्या चेंज होता है बोलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता रहता है ये जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स अब मुझे मेरे बैच में बताओ टोटल रेंट चेंज हो रहा है क्या नहीं चेंज हो रहा है कितने भी स्टूडेंट्स रहने दो टोटल रेंट वही है प्रिंटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट चेंज हो रहा है क्या नहीं वो सात सौ ही है कितने भी बच्चे रहने दो तो? तो क्या चेंज हो रहा है रेंट पर स्टूडेंट एंड टोटल प्रिंटिंग कॉस्ट तो रेंट पर स्टूडेंट मतलब क्या है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल प्रिंटिंग कॉस्ट मतलब क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे दो सही है बच्चों. टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड हाँ बोलो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट चेंज does not change, does not change with change in with change in bolo volume of production. I hope you are understanding this. pakka samjha sabko ye to मैं उसको थोड़ा और ऐसे बोल सकता हूँ क्या? Fixed cost में total is same irrespective of number of units produced.

वेरिएबल कॉस्ट है एंड अगर ये दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तो वो क्या है सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स तो चलो ये यहां तक पहले से लिखा क्या चेक करो एक बार पेज नंबर 29 पे हैं हम लोग पेज नंबर 29 ऑफ योर नोट्स पे ओके okay? जो लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं या YouTube से है अभी एंड ऑल आपके पास नोट्स होना चाहिए बहुत जल्द आप जो भी है नोट्स डिस्पैच का प्रोसीजर हमने कल स्टार्ट कर दिया है एंड तब तक मैंने आपको बोला था कि आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी दिया हुआ है ठीक है पूरा वॉल्यूम वन का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है पूरा वॉल्यूम वन टेलीग्राम पे फ्री है ठीक है तो ये वॉल्यूम टू भी डालना तो मैं डाल डालू उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे समझ रहा है क्या बट अभी तो चालू नहीं हुआ ना वो इनफैक्ट ये हैंड रिटन नोट्स मैं आपको भेजने वाला हूँ उसी चैनल पर बाद में टेलीग्राम चाल हैंड रिटर जो मैं क्लास में लिखता हूँ वो भी मैं आपको दे दूंगा बाद में समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ ताकि कुछ रह गया कुछ प्रॉब्लम है आपको लगता है कि नहीं सर सर ने क्या लिखा था उस वक्त मुझे वापस देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं वो वापस भी देख सकते हैं आपके पास सबका सॉफ्ट कॉपी आएगा बाद में आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ओके चलो यहां तक क्लैरिटी है बच्चों ये टेबल कंप्लीट हुआ या नहीं ओके अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को कैसे करते क्या करते देखेंगे चलेगा क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले क्या क्वेश्चन है पढ़ो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सामने कौन सा कॉस्ट है

फिक्स कॉस्ट होता तो ये दोनों नंबर अगर ये वेरिएबल होता तो दोनों में पर यूनिट सेम होता एंड ये दोनों नहीं हो रहा है तो सेमी है इससे सिंपल क्या बताओ यार अच्छा फिक्स कॉस्ट होता तो लाख लाख ये दो नंबर अलग होते ही नहीं वो सेमी नंबर होता नौ लाख नौ लाख दस लाख दस लाख जो भी है ये और नो कितने भी यूनिट बनाओ उतना ही कॉस्ट है तो फिक्स होता येस और नो अगर ये वेरिएबल होता तो बोलो पर यूनिट सेम होता तो दोनों में पर यूनिट सेम है क्या

जैसे प्रिंटिंग एक स्टूडेंट सात सौ दो स्टूडेंट चौदह सौ, बराबर प्रपोर्शन में बढ़ गया है ना तो वेरिएबल होता क्या है? बोलो, है? नहीं। है क्या है वेरेबल सेमी तो राइट आंसर आंसर में फर्स्ट पॉइंट ओके आंसर में भी अब इसके अभी तो बहुत शुरुआत में हम लोग अब आगे जाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है आंसर में एक दो तीन चार पांच छ वर्किंग नोट्स है समझ रहा है क्या

नहीं जाता है कभी बैच समझ रहा है कि नहीं बट जिसके पास नहीं है अब मेरे ख्याल से अब समय आ गया कि आपको नोट्स कलेक्ट करना पड़ेगा डेमो वगैरह खत्म हो, हो गया कुछ लोगों का अभी एक पांच परसेंट लोग बचे डेमो वाले कर लो भाई अभी नहीं तो आज क्लास के बाद मैं रुकता हूं इधर आप क्वेश्चन पूछो दो चार है कि नहीं फटाफट 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 क्वेश्चन पूछो आंसर दिया तो बोलने का डन है कि नहीं नहीं तो कहीं और जाके ले लो बट वहां पे तो सेटल हो जाओ कम से कम समझा है नहीं रोज एक जगह पे अब मेरे मुंह में ऐसा आ रहा था कि रोज एक जगह पे मुंह मत मारो ऐसा आ रहा था बट इन द गिवन एग्जांपल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इन द गिवन एग्जाम्पल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज बोलो बच्चो सेमी वेरिएबल इन नेचर क्या बोलो सेमी वेरिएबल इन नेचर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ये समझा क्या आपको है? तो अपने को क्या करना है फिर अगर ये सेमी वेरिएबल है तो इसमें से फिक्स कितना था और वेरिएबल कितना था ये जानना है यस और नो तो राइट डाउन लेटस सेग्रीगेट द कॉस्ट लेटस बोलो सेग्रीगेट द कॉस्ट सेग्रीगेट करते बाय लेटस सेग्रीगेट द कॉस्ट बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड कौन सा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड ये सिखाया क्या मैंने मेथड अभी तक आपको बिल्कुल नहीं सिखाया बट सिखाऊंगा ना अभी फिर बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से अपन ये कॉस्ट को सेग्रीगेट करेंगे लेट अस सेग्रीगेट इट बाय बोलो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड ओके उसके नीचे लिखो लेट लेट लिख रहे हो क्या फिक्स्ड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बी रूपी एफ चलेगा क्या एक्स वाई भी ले सकते हैं बट मैं एफ लेता ले चलेगा क्या उससे कोई फर्क पड़ता है क्या एक्स वाई लिया या ए बी लिया या पी क्यू लिया या एफ बी लिया या और कुछ लिया उससे कोई फर्क पड़ता है क्या लेट फिक्स रिपेयर कॉस्ट भी रूपी एफ एंड वेरिएबल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बी क्या लो आप बताओ रूपी वी आगे बोलो पर यूनिट जब तक इसको पर यूनिट नहीं बोलते तब तक तो मतलब नहीं है फिर कुछ यस और नो वेरिएबल तो पर यूनिट होगा ना मेरे भाई प्रिंटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट है बट रेंट जो है वो तो टोटल है ना मेरे भाई नहीं समझा आपको आर यू गेटिंग दिस तो फिक्स रिपेयरमेंट कॉस्ट कितना है एफ एंड वेरिएबल कितना है वी पर यूनिट वेरी गुड एज पर गिवन डाटा लिखो एज पर गिवन डाटा ध्यान देना सबका

बताओ बताओ सेकंड इक्वेशन क्या आएगा तुम ही इज इक्वल टू एफ प्लस वी ओके अब इसमें और एक पॉइंट बताता हूँ अब कुछ लोग जो अभी ऑब्वियसली मेजोरिटी फाउंडेशन के रूट से है वो लोगों को इतनी आदत लग गई अभी वो मैथ्स में धड़क धड़ 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 कैलकुलेशन करने का आंसर लाने का ऑप्शन में ढूंढने का अब वापस पेपर डिस्क्रिप्टिव है भाई लिखना पड़ता है लेट फिक्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है 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 ये लिखना पड़ता क्लियर बिना लिखे नहीं चलता अभी काम आप समझ रहे दो इक्वेशन करेंगे क्या राइट ऑन लेटेज साइमल्टेनियसली अब थोड़ा बोर होता है ना ये फाउंडेशन में आदत लग गई ना वो अस सॉल्व

अस सॉल्व दीज इक्वेशन साइमल्टेनियस चलो बता पहला इक्वेशन क्या था बोलो एफ इज इक्वल टू नाइन ऐसा लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं ना दूसरा इक्वेशन बोलो एफ इज इक्वल टू नाइन लैख फोर्टी कोई बोलेगा नहीं सर ये इक्वेशन ऊपर लिखो ये नीचे लिखो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या यार नो yes कौन सा पहले लिखा कौन सा बाद में लिखा उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या तो टेल मी ये एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन तो क्या कैंसिल होगा f एंड माइनस एफ कैंसिल हुआ तो टेल मी इज इट माइनस टेन थाउजेंड वी इज इक्वल टू माइनस फोर्टी थाउजेंड तो v इज इक्वल टू ऐसे लिखो आप स्पेसिफिकली प्लीज फोर्टी थाउजेंड बाय टेन ऐसे लिखो फोर्टी डिवाइडेड बाय टेन तो टेल में क्या आंसर है रुपी फोर पर यूनिट रुपी फोर पर यूनिट ये क्या है v मतलब क्या वेरिएबल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट पूरा बोलो करो ना यार वेरिएबल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट कितना है वो बोलो रुपी फोर। अब बताओ कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ v इन एनी ऑफ द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ f एंड गेट द वैल्यू ऑफ f तो चलो उसके नीचे लिखते हैं लेट यूज इक्वेशन 1 क्या लिखो बोलो लेटस यूज इक्वेशन वन इक्वेशन वन यूज करते चलेगा क्या Let us use equation one. आप लेटस यूज इक्वेशन वन आपको उस पेज पे लिखना है अगले पेज पे लिखना है वो तुम्हारे अपना हैंडराइटिंग से आप मैं अगले पेज पे गया मतलब जरूरी नहीं है तुम्हारे ले जाना समझ है क्या तुम अपने हिसाब से कंटिन्यू करो अस यूज इक्वेशन वन तो इक्वेशन वन में अपनी वैल्यू पुट करते बोलो नाइन लैक्स इज इक्वल टू बोलो मेरे भाई एफ

बोलो फिक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फिक्स रिपेयर एंड फॉर द पीरियड क्या लिखता हूं मैं फॉर द पीरियड कितना है बच्चों रुपीज सेवन लैक्स नहीं समझा आपको मैं फॉर द पीरियड क्यों लिखा समझा क्या तो समझो ये डेटा एक क्वार्टर का है तो एक क्वार्टर का फिक्स कॉस्ट सेवन लैक्स है ना यार तो आप ये मत समझो कि एक साल का फिक्स कॉस्ट सात लाख रहने वाला है एक साल का अट्ठाईस लाख रहेगा नहीं समझा आपको मैं क्या अच्छा मेरे भाई ये पीरियड जिसमें हजार सात लाख नहीं रहने वाला समझा या नहीं ये फिक्स कॉस्ट फॉर पीरियड है जिसमें बना रहे yes no? हम बोलो क्या आइए वेरिएबल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट कितना आया रुपीज फोर वी था फोर एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था बोलो टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इफ सेवेंटी एट थाउजेंड यूनिट आर प्रोड्यूस्ड इन दैट पीरियड जिस पीरियड में जो दस हजार बीस हजार जो भी बने थे अगर उसी पीरियड में सेवेंटी एट थाउजेंड बने होते, तो क्या होता? समझ रहा है क्या तो बताओ ये टोटल रिपेयर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस, प्लस बोलो बोलो फिक्स कॉस्ट कितना था फिक्स रिपेयर था सेवन लैक्स वेरिएबल कितना था फोर लिखो या फोर लिखो देखो बच्चों और अभी, अभी, हम बहुत फेज में, अभी से आदत डालो कि आदत तो अच्छा डेवलप हो जाएगी ओवर पीरियड ऐसे कुछ कुछ लोग क्या करते डायरेक्ट सेवन जीरो जीरो फिर वो कभी सत्तर लाख दिखता है कभी सत्तर हजार दिखता है अपने को देखते समझना चाहिए समझ रहा है नहीं लिखते वक्त आदत ही ऐसी होना चाहिए आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स तो चलो बोलो फिर सेवन लैक्स प्लस सेवन लैख प्लस थ्री लैख ट्वेल्व थाउजेंड आंसर इज टेन लैख तो आप बताओ बच्चों जो क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा था उसका आंसर हम दिए क्या सब कुछ कंप्लीट हुआ क्या बताओ तो हमने सेग्रीगेशन किया क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट का सेग्रीगेशन अब वो एंड मेंटेनेंस था या मेंटेनेंस था या और डिस्ट्रीब्यूशन था, या था उसको भाड़ में जाने दो कोई तो कॉस्ट हमारे सामने है जिसका हम कर रहे है, उतना ही में रखो समझा क्या तो मतलब क्या होता है मैं आपको बोला सोचो करके उसके ऊपर मैं है, है, उस बोल मैं तो रहा हूं बस वो कॉस्ट फिक्स है वेरिएबल है सेमी वेरिएबल है उस पर फोकस रहो समझ रहे कोई तो कॉस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे फिर कभी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कभी सेलिंग रहेगा कभी कुछ और रहेगा उसका नेचर क्या है वो उस पे हमारा फोकस है यहाँ पे इज दैट क्लियर समझा क्या तो अब अभी हमने कौन सा क्या मेथड सीखा बच्चों बोलो तो आप बोलोगे सर हमने अभी जो सीखा थोड़ा बहुत वो है सेग्रीगेशन आराम से सुनो सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड या इसको बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स क्या बोलते हैं इसको मेथड ऑफ Least squares. क्या बोलते मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स सेग्रीगेशन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड या साइमल इक्वेशन मेथडो हम लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स सेग्रीगेशन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड तो ये कंप्लीट हुआ क्या बताओ कंप्लीट हुआ क्या ओके okay, एक काम करो ऐसे लिख देना इसके बाद में और अब ये सॉल्व करने का अपने पास और एक तरीका था ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ टू बट वो और रहे? समझ रहे हैं समझ वर्किंग है ध्यान दे रहे हो क्या आप आप लिखिए यहाँ पे और अच्छा यही सेग्रीगेशन करने का अपने पास और एक तरीका है ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों अभी ऐसा समझो कि अभी तक अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं है ऐसा समझो कि अभी ये क्वेश्चन अपने सामने है और अपन ने सॉल्व किया ही नहीं ऐसा मान सकते क्या दो मिनट के लिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ही नहीं है क्वेश्चन पढ़े एक बार चलो क्या दिया है

मतलब ये फिक्स नहीं है अच्छा दोनों में पर यूनिट सेम नहीं है मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है इसका मतलब सेमी वेरिएबल ही होगा तो बोलो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज बोलो सेमी वेरिएबल इन नेचर लेट अस सेग्रीगेट इट क्या बोलो लेट अस सेग्रीगेट इट दो मिनट के बाद लिख सकते हो कोई बात नहीं ध्यान दो पहले लेट अस सेग्रीगेट इट बाय हमारे पास और एक मेथड है जिसका नाम है लेवल ऑफ

थाउजेंड यूनिट माइनस तो बोलो चेंज इन कॉस्ट कितना है आंसर दो चेंज इन कॉस्ट कितना है चेंज इन क्वांटिटी कितना है तो आंसर क्या आया डायरेक्ट वेरिएबल पोर्शन आ गया रुपी फोर पर यूनिट देखो इतना लाने के लिए आपने को टाइम लगा था पहले तो क्या है तो देखो यार हम ये एफ वी वीक्रिये देखो ये यहाँ पे इतना रामायण करके इधर आए थे कि नहीं हम लोग ये लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड डायरेक्ट यहाँ पे लाके छोड़ा आपने और ना कोई इक्वेशन बना ना कुछ डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते कि नहीं फिर और नो तो बताओ क्या कॉस्ट पर बोलो डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी आप ऐसा याद रखो कि डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू डेल्टा मतलब अच्छा वेरिएबल तो मिल गया कैसे मिलेगा

वेरिएबल वेरिएबल था। था। लाख 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 में से 2, 000, 000, 000 था, तो फिक्स फिक्स कितना कितना हुआ? कितना हुआ? 7, 000, 000, मिल ना, फिर भी कोई बोला नहीं सर पचास हजार का डेटा मत यूज करो साठ हजार का करो, हाँ, करो साठ हजार का रिपेस थाउजेंड माइनस सिक्स इंटू फोर नाइन लाख फोर्टी थाउजेंड माइनस टू लैख फोर्टी थाउजेंड आंसर क्या है सेवन लाख तुम कोई भी डेटा यूज करो आंसर वही आने वाला है तो आप बताओ वेरिएबल कॉस्ट मिला क्या वेरिएबल रिपेयर अगर लिख दिया टोटल रिपेयर सेवनटी एट थाउजेंड यूनिट्स फॉर हाउ मेनी टोटल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रिपेयर सेवनटी एट थाउजेंड यूनिट रुपीज से अभी लिखा था आप एग्जाम में इतना ही लिखोगे अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेथड नहीं पूछा तो बट क्वेश्चन क्या था एक बार वापस जरा देखो आपने हाँ बोलो? टोटल उन्होंने मेथड के बारे में कुछ बात की थी क्या क्वेश्चन में तो क्या से हमने क्लास में सॉल्व करना इसलिए दो मेथड से किया। आप एग्जाम में ये और आगे का इतना ही कर सकते थे yes no. कभी-कभी वो ऐसा भी पूछते segregate the cost by level of activity method. फिर तो तुम्हें equation बनाना ही पड़ेगा ना क्योंकि सॉल्व करो मतलब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स क्या नाम है Of least तो हमने दोनों से किया क्या? अच्छा, दो मेथड नहीं है, टोटल कितने? वो क्या है नाम लिख दूंगा बट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दो मेथड अभी आपके सामने आर यूंग्रेंड्स बाकी के तीन मेथड उसमें से एक थे तो उसमें कोई प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है ही नहीं आर यूरस्टैंडिंग दिस बट सबसे इंपॉर्टेंट दो मेथड्स आपके सामने हैं बट कभी अगर समझो आपको कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द मेथड्स या देयर आर हाउ मेनी मेथड्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट तो आप आंसर क्या दोगे पांच वो क्या नाम है आप मैं आपको थोड़ी देर में लिख के दूंगा ये समझा क्या पहला मेथड का क्या नाम था पहले मेथड का क्या नाम था साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स दूसरा मेथड कौन सा था लेवल लेवल ऑफ ऑफ एक्टिविटी एक्टिविटी मेथड, मेथड से आपने को क्या मिल जाता है डायरेक्टली वेरिएबल तो जो भी कॉस्ट हम हैं, उसका वेरिएबल कॉस्ट हम कौन सा कर रहे थे यहाँ पे रिपेयर एंड पर यूनिट मिल गया अगर समझो मेंटेन समझो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेग्रीगेट करते तो क्या मिलता आपने को वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट जिसका भी सेग्रीगेशन चल रहा है उसका वेरिएबल पोर्शन आपको डायरेक्ट मिलेगा कौन से फॉर्मुला से

जिन लगा हो जिनका हो चुका है आप देख लो जरा आजू बाजू में अभी कुछ लोग कहाँ कहाँ से आए रहेंगे ना बाहर से देखते रहेंगे क्या क्या है यहाँ पे नया <coughs> अभी तो क्या नए नए इसलिए क्या आ, पहचान वगैरह नहीं रहेगी ना कुछ दिनों में बन जाएगा तुम्हारा ग्रुप वगैरह फिर ग्रुप में ग्रुप पे एक मैसेज आएगा एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा फिर ग्रुप पे एक मैसेज आ जाएगा लेट्स गो टू खड़क वास्ला फिर दूसरा डालेगा कॉस्टिंग क्लास क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क नहीं फिर तीसरा बोलेगा नहीं फिर खड़क वास्ला। अरे ऐसे पुणे में भाई बहुत सारे लोगों का करियर बना ऐसे सात आठ लोगों का एक दस लोगों का ग्रुप बन जाता है जनरली ग्रुप का एक स्टैंडर्ड कम्पोजिशन रहता है एक छह लड़के तीन चार लड़कियां छह लड़के में भी उसका एक कॉम्पोजिशन रहता है कि दो चार लड़के थोड़ा दो तीन लड़के थोड़ा गरीब टाइप में जो काम कर सकते हैं फटाफट कहीं जाके बराबर की नहीं जो भाई उधर टिकट बुक करके आओ भागेगा दो तीन पैसे वाले रहते हैं बाइक वाइक रहता है उनके पास अच्छा बाइक या कार कारवार रहता है दो तीन वो रहते हैं लड़कियों में भी दो सुंदर रहती है दो थोड़ी एवरेज रहती है है कि नहीं ग्रुप अच्छा लगता है ना फिर मतलब सब कॉम्बिनेशन एक ग्रुप में खड़क वासला है उधर माँ बाप क्या सोचते हैं कि भाई पढ पढ़ के थक गए इसलिए खड़क वासला गए इधर आराम कर करके थक गए फिर खड़क वासला गए उधर थक गए इसलिए सो गए सो सो के थक गए आराम किए है कि नहीं अभी ऐसा नहीं होगा ना लेकिन नहीं होगा ना ऐसे बोलते पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में छह महीने पहले जो बैच चालू हुआ था ना उसमें डे नंबर वन को ये हॉल पूरा खाली एक पैर रखने के लिए जगह नहीं सामने वाला पूरा फुल पचास बच्चे बाहर समझ रहे क्या एंड एक महीने के बाद में मैंने ये तीन प्रोजेक्टर छोड़ के कुछ भी चालू नहीं किया समझ रहे क्या सब सेट तो बच्चों स्टूडेंट फीस दिए के मतलब क्यू? उनको कितना मतलब कितना दान चुर लोगे वो लोग वो लोग क्या सोचते हैं ऐसे मेरे आके देखते हैं टीचर लोगों को गरीब बेचारे का पेट कितना है देखो तो है कि नहीं खाना भी ज्यादा लगता रहेगा ना यार तो मैं क्लास में आऊं या ना आऊं ये बेचारे को तो मैं पैसा देके ही जाऊंगा बराबर है कि नहीं बराबर है कि नहीं फिर वो पैसे देते फिर बाहर की कोई बोलता है भाई क्लास क्यों नहीं कर रहे वो बोलते क्लास करने की क्या जरूरत है मैंने किया ना चैरिटी है कि नहीं And वो तो स्टैंडर्ड आपने सुना ही रहेगा बस वो लड़का फाउंडेशन लड़की फाउंडेशन तो सुना तो, लड़का फाउंडेशन लड़की फाउंडेशन फिर लड़की इंटर लड़का फाउंडेशन नहीं, नहीं बराबर लड़की इंटर फिर दूसरा एक लड़का उधर नहीं फिर लड़की फाइनल लड़का इंटर ही और एक लड़का उधर बराबर है कि नहीं आर्टिकल शिप बराबर है कि नहीं मतलब ये तीन लोग प्रोसेस में एक फाउंडेशन में एक इंटर में एक फाइनल में एंड लड़की सी है एंड लड़की बाद में करती है डॉक्टर से शादी समझ रहे क्या नहीं एंड ये तीनों बैठते एक जगह पे मिल बैठे तीन यार बराबर है कि नहीं जोक था भैया ये नहीं तो वापस वही ऐसे कैसे सर बट ऐसा क्या लगता है आपको ऐसा होता रहेगा क्या बहुत एग्जाम्पल मैंने तो देखे भाई ऐसे है कि नहीं मतलब तो मैं मेरा नहीं बोल रहा हूँ बट या बाकी किसी का नहीं बट ऐसे बहुत है ऐसे लड़की करती कलेक्टर से शादी आईआईटी जनरली ये कॉमर्स के लोगों का वन साइडेड पैर आईआईटी वाले डॉक्टर अच्छे कॉलेज से किए हुए इंजीनियर्स अच्छे मैनेजमेंट स्कूल से पढ़े हुए एम ये सब लेके जाते है कि नहीं एंड इधर सी फाउंडेशन सी इंटर है कि नहीं तो ऐसा मत होने देना भाई लगे तो उनमें से एक उठा के लेके आना इधर है कि नहीं जैसे मैं किया है कि नहीं है कि नहीं, है नहीं? तो, तो अपने में से कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कुछ बराबर है ना क्या बोल रहे थे बेटा हाँ। चलो ये जो भी कुछ था एंटरटेनमेंट था है इसका आजकल डिस्क्लेमर देना पड़ता है भाई नहीं तो कोई तो आएगा सीरियस बंदा मंजे, तुम्ही का, है, का। <laughs> तो भाई ये जो परपस है इसका ठीक है ना वो बच्चा भले दुनिया के जगह पे क्या क्या सीख रहा है वो मालूम नहीं, नहीं। बट वो... <clears throat> चलो ये होगा क्या ये क्वेश्चन डन है क्या बच्चों तो चलो फिर अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चलेगा अच्छा, कौन से कौन से दिखता है, अपने आता है कि कुछ चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स दिख रहा है क्या सबको ये थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो ना यार नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एंड सामने क्या दिया है और Salesman salary. अगर कुछ कभी रीडेबल नहीं है तो मैं पढ़ रहा हूं लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड तो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी नहीं था तो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे आपने को इच्छा नहीं है तो भी करना पड़ेगा क्यों क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा ये लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथ से सॉल्व करो बोल रहा है method of least तो जहां पे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लिखा है ब्रैकेट में लिख देना साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस इक्वेशंस मेथड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मतलब ही मेथड समझ आ गया बच्चों थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट डाइजेस्ट हो रहा है कि अपन उधर ही आंसर लिख रहे हैं इससे देखो अभी यहाँ पे अब इतने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे बैठ ठीक से जगह नहीं है उसमें और एक नोटबुक आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाता ना तो मैं कुछ पर्पज के साथ में ये कंसेप्ट निकाला है समझ रहा है क्या इसके साथ में आप देखो तीन बेंच ऑलरेडी तो लिखेंगे इसमें कोई हिंट नहीं है लेकिन आंसर ये आंसर का हिंट दिखा क्या कहीं पे कहीं आंसर ये हिंट है दिखाओ मुझे हिंट ही. ये मेरा चेहरा ऐसे भी था है कि नहीं चलो करे फिर सवाल अपन

ये समझो क्रेडिट कार्ड सेल करने का काम करते क्या करते हैं yes no. अच्छा, कस्टमर को पूछते क्या बैंक का लिस्ट देता हूँ उनको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या ये अच्छा इनकम ग्रुप अच्छा इनकम रहने वाले लोग है सारे ये हमने डेटा का यहाँ से तो लाया है तो आप बताओ इन लोगों को मैं फिक्स सैलरी दूंगा पचास हजार पर मंथ तो ये तो फॉर्मेलिटी बोल के फोन करेंगे या नहीं सामने को कि सर, मुझे क्या बोले? मुझे बस ऐसे कर दिया फो? नहीं चाहिए तो नहीं बोलना से है? अच्छा बताओ इसका सैलरी मैं कर दिया दस हजार फिक्स प्लस दो हजार रुपए पर क्रेडिट कार्ड सोल्ड अब बताओ कैसे हाथ जोड़ेगा बराबर है कि नहीं क्या बोलेगा सर क्रेडिट कार्ड सर वो सामने वाला बोलेगा बार बार क्यों फोन कर रहे हो सर प्लीज सर वो बार बार क्यों फोन कर रहा है भाई काम धंधे नहीं है क्या नो no प्रॉब्लम सर आपको चार गाली देने से सुख मिल रहा है दे दो सर आठ गाली दे दो मैं कल आऊ क्या सर आपके घर पे ऑफिस में कहा आऊ सर हो रहा है मत प्लीज सर मेरे बीबी बच्चे है सर कैसे लैंग्वेज चेंज हुआ इसका समझ रहा है कि नहीं इंसेंटिव है हम ये लेबर में और सीखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट में ये तो इंसेंटिव है ना भाई

कॉस्ट कोई भी रहने दो वो फिक्स्ड है, है वेरिएबल है, तो है, है या सेमी वेरिएबल है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो आप बताओ यहाँ पे सेल्समैन सैलरी फिक्स्ड है वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन बाय बाय बोलो कौन सा मेथड सेग्रीगेशन बाय पहला कौन सा करेंगे अच्छा लेवल ऑफ एक्टिविटी में पहले करना है चलो करो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड सेग्रीगेशन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड ध्यान है क्या सबका सेग्रीगेशन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड तो चलो बोलो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड में क्या फॉर्मूला होता है वेरिएबल वेरिएबल सेल्समैन सैलरी हम बोलो पर यूनिट पर यूनिट बोलो ना यार उसके बिना क्या मतलब है बराबर है ना वेरिएबल सेल्समैन सैलरी पर यूनिट बोलना पड़ेगा कि नहीं इक्वल टू क्या लिखो बोलो डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी तो बोलो डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है चलो इज इट ट्वेंटी थ्री लैख फिफ्टी एट थाउजेंड कितना है हाँ हाँ सही मैं वही लिख रहा हूँ माइनस ट्वेंटी लाख सही है क्या डिवाइडेड बाय बोलो डिवाइडेड बाय वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस एटी थाउजेंड तुम्हारा जितना कैलकुलेशन का स्पीड नहीं है मेरे भाई मेरा थोड़ा मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारा मेरा स्पीड कैसे मैच होगा है कि नहीं whether it is three lakh fifty eight thousand divided by forty thousand units. Answer is eight point nine five per unit. वैसे यहाँ इधर पर यूनिट लिखा नहीं लिखा तो चल सकता है क्योंकि हमने हेडिंग इधर लिखा है ना पहले वेरिएबल सेल्समैन सैलरी पर यूनिट लिखो वापस कोई फर्क नहीं बट नहीं।, नहीं लिखा तो भी चल सकता है कि पर यूनिट लिखा है मैंने पहले इधर इज इट 8.95 पर यूनिट तो वेरिएबल पोर्शन तो मिल गया अपने को तो फिक्स पोर्शन कैसे मिलेगा यूजिंग डेटा कोई तो एक डेटा यूज करना पड़ेगा आप बताओ, कौन सा डेटा यूज करूं अच्छा चलो हजार अच्छा, में, में का डेटा यूज कर है? प्रॉब्लम है क्या कुछ कोई भी डेटा यूज करो फिक्स फिक्समैन सैलरी वही आने वाला है हाँ बोलो यूजिंग डेटा ऑफ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का डेटा यूज करते हैं एंड बताओ मुझे फिक्स्ड सेल्समैन सैलरी कितना है बताओ सेल्समैन सैलरी कितना है बच्चों फिक्स सेल्समैन सैलरी है ना ट्वेंटी थ्री लैख फिफ्टी एट थाउजेंड उसमें से वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट इन टू रुपीज एट पॉइंट नाइन फाइव वेरिएबल है वो यस और नो तो टोटल में से वेरिएबल डिडक्ट कर दो तो फिक्स मिल जाएगा क्या आंसर है अच्छा ट्वेंटी थ्री लैख फिफ्टी एट थाउजेंड माइनस इसका प्रोडक्ट कितना है बताओ प्रोडक्ट प्रोडक्ट बताओ मैं भाई वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इन टू एट पॉइंट नाइन फाइव न टेन लैख सेवेंटी फोर टेन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड तो आंसर इज 12 ,00, मैं कौन सा डेटा यूज कर रहा हूं उसके हिसाब से बता ट्वेल्व लैख एटी फोर थाउजेंड समझता है बच्चों मैं कोशिश करता हूं पूरे क्लास में कि बहुत सिस्टमैटिकली आंसर हो आप आप में से कोई सोच रहा है कि नहीं सर आप बहुत स्लो कैलकुलेशन करते हो तो आपको लगता है क्या मेरा कैलकुलेशन स्पीड ये रहेगा मैं बीस साल से मैथ्स पढ़ाता हूँ समझ रहा है क्या बट अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर है लिखते वक्त बहुत अच्छे से ही लिखना है समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं इट इज सेल्समैन सैलरी समझा आपको ये तो आप बताओ हो गया है क्या segregation हो गया है क्या? कौन से method से segregation हुआ? उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा टोटल फॉर बोलो वन लैख एटी थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट पूछा था कि नहीं तो चलो लिखो उसमें टोटल सेल्समैन सैलरी टोटल सेल्समैन सैलरी उ मेनीट वन लैख एटी थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिटी फोर थाउजेंड ट्वेल लैख एटी फोर थाउजेंड क्या है बच्चों? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कितना रहेगा वन लैख एटी थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट्स इनटू रुपीस 8.95 पर यूनिट इनटू 8.95 पर यूनिट बहुत ज़्यादा हो गए शायद आज है ना कुछ लोग आएंगे भाई क्लास के बाद आप मुझे डरी लगने लग गए हैं सोर तू कॉइस नहीं खोलो भारत कौशुतोरी झाला सर बोलो भाई फाइनल आंसर बताओ सब मिला 29 लैक्स 2000 160 पक्का क्या 29 लाख 20160 आंसर है क्या कौन से मेथड से सेग्रीगेट किया हमने लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड अब दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते आंसर सेम ही आएगा उसमें या अलग आएगा ऑब्वियसली सेम आएगा यार अच्छा मुझे बताओ क्या है से लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड जो है वो साइमल्टेस इक्वेशन के मेथड के बेसिस पे ही आया वो जो एफ एफ कैंसिल होने के बाद जो आता है वो इधर डायरेक्ट है नहीं समझाओ वो एफ एंड एफ कैंसिल होने के बाद जो आता है वो तो डायरेक्ट है ना इधर बस वहीं से फॉर्मूला आया वो वो ये फॉर्मूला के हवा से आए क्या ये चलो बोलो यहाँ पे अभी सेग्रीगेशन करना है आपको और एक बार कौन से मेथड से राइट ऑन सेग्रीगेशन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स सेग्रीगेशन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स सेग्रीगेशन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर चलो करें फिर सेग्रीगेशन आराम से पूरा शिद्दत से प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर बताओ हाँ बोलो लेट रुपी एफ बी चलेगा क्या अच्छा ये एफ एंड बी लेना कंपलसरी है क्या कुछ भी ले सकते हैं आपको एक्स वाई लेना एक्स वाई ले लो एफ बी बेटर है लेकिन समझता भी है ना देखिए वो लेट रुपी एफ बी बोलो फिक्स कौन सा लेकिन फॉर द वेरी गुड फॉर द पीरियड कुछ बोला होता फॉर द्वार्टर तो वो लिखते नहीं दिया प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन अ क्वार्टर बोला होता तो मैं यहाँ पेटर बोलता इन अयर बोला तो इन अयर बोलता है यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो इन अ पीरियड बोलो ये और नो क्या हो रहा है ठीक है ना अरे श्योर पानी वानी चाहिए क्या रो रही है क्या लड़की हाँ बेटा रो रही है क्यों ठीक है ना बेटा सब किसी की याद आ रही क्या अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो अभी घर छोड़ के पहली बार माँ बाप को छोड़ के पहली बार यहाँ पे कहीं बाहर आए रहने बहुत हाँ बहुत है उस क्लास में भी बहुत रहेंगे तो क्या हो रहा है मतलब कैसे बहुत याद आ रही है क्या अच्छा याद करने को टाइम नहीं मिल रहा है अच्छा नहीं नहीं याद आना बहुत नेचुरल है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें आ जाएगी वापस आएगी चिंता मत कुछ लोगों को बड़ी चिंता हो रही है और वापस आएगी कि नहीं अच्छा जो लोग बाहर से आए उनको बहुत ऐसा दुख हो रहा है क्या अभी रहने दो ना बेटा कर लो ना अभी क्या बंद है क्या वो चालू यार दो ना चलो थोड़ा थोड़ा अच्छे लोगों के बाजू में जाके बैठो मैं तो तुम्हें ठंड कम लगे ओके okay? <coughs> अच्छा सुनो वो जो बाहर आए ना भी सुनो 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 घर छोड़ के आए ना यहाँ पे वो दो चार दिन पंद्रह दिन या लग सकता है बट इन द लॉन्ग रन आप यही बोलोगे कि जो हॉस्टल वाले दिन थे जो आप बाहर रहे थे वो तुम्हारे जिंदगी के बेस्ट डे थे समझ रहा है अगर मुझे भगवान

अच्छा सुनो सुनो आप आ, जब यहां से बाद में सात आठ महीने के बाद चले जाओगे ना तब बोलोगे तुम मिसिंग क्या बोलोगे फिर वो ऐसा दोस्टीज पॉइंट का फोटो डालोगे स्टोरी में और बोलोगे मिसिंग दिस प्लेस आज क्या बोलोगे कैसी गंदी जगह है यार है लेट रूपीएफ बी फिक्स सेल्समैन सैलरी फॉर द पीरियड एंड रूपी वी पर यूनिट ये पर यूनिट बोलना बहुत जरूरी है रुपी वी बोलो पर यूनिट वी वेरिएबल सेल्समन सैलरी वेरिएबल सेल्समन सैलरी समझा बच्चों तो मुझे बताओ दो इक्वेशंस कौन से बनेंगे बोलो पहला इक्वेशन आप क्वेश्चन देख रहे हो क्या बच्चों ट्वेंटी लैक्स ये कॉस्ट था क्या तो चलो मैं इजिकल टू ट्वेंटी लैक्स इधर लिख रहा हूं प्लीज 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 ध्यान दो यहाँ पे इज इक्वल टू उसके अंदर फिक्स रहेगा क्या कुछ कितना रहेगा एफ एंड वेरिएबल कितना रहेगा एटी थाउजेंड वी तो एफ प्लस एटी थाउजेंड वी इज इक्वल टू ट्वेंटी लैक्स एंड दूसरा इक्वेशन तुम ही बताओ मुझे एफ प्लस बोलो कितना वन लैख वी इज इक्वल टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड क्या

कोई भी इक्वेशन में वी का वैल्यू रख दो एंड एफ आ जाएगा बराबर है तो बोलो लेट अस यूज इक्वेशन वन अस यूज इक्वेशन वन इक्वेशन वन यूज कर लेते चलो, में F plus, बोलो एटी थाउजेंड इंटू वी कितना है एट पॉइंट नाइन फाइव पर यूनिट इज इक्वल टू ट्वेंटी लैक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी लैक्स इसके आगे का कैलकुलेशन कर लोगे तुम एटी थाउजेंड इंटू एट पॉइंट करो उतना कैलकुलेशन का यूज मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस समझता होगा ना तो फोर थाउजेंड 12 12 ,00, ,00, आ रहा है क्या तो एफ मिल गया वी मिल गया बराबर है डेर फोर अब बताओ फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते है. हम बोलो क्या रहेगा फिक्स सेल्समन सैलरी फिक्स सेल्समैन सैलरी फॉर द पीरियड क्या आंसर है फिक्स्ड सेल्समैन सैलरी फॉर द पीरियड क्या आंसर है ट्वेल्व लैख एटी फोर थाउजेंड वेरिएबल सेल्समैन सैलरी पर यूनिट वेरिएबल सेल्समैन सैलरी पर यूनिट वेरिएबल सेल्समैन सैलरी पर यूनिट आंसर बच्चों रुपीज एट पॉइंट नाइन फाइव रुपीज एट पॉइंट पर यूनिट लिखा है मैंने इधर वापस लिखना है तो वापस लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं बट मैंने इधर ऑलरेडी लिखते हो कि पर यूनिट लिखा है ना इधर है या नहीं एंड और क्या क्वेश्चन पूछा था टोटल सेल्समैन सैलरी फॉर बोलो वन लैख एटी टोटल सेल्समैन सैलरी फॉर बोलो उजेंड एट हंड्रेड आंसर इज ट्वेंटी समझा क्या ये वापस लिखना है? मेरे जैसे कॉपी पेस्ट नहीं करने की तुम्हारे पास है क्या वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं ना टोटल सेल्समैन सैलरी फॉर वन लैख एटी थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट्स हमने दोनों मेथड से क्लियरली अलग से क्वेश्चन सोल्व किया है हमने पहले सवाल किया था ऐसे दिमाग में नहीं रखा ना यार की नहीं समझा सके बेटा उधर से दिखता है क्या अच्छे से बहुत स्ट्रगल है ना क्या क्या करना पड़ रहा है वो भी इतने पैसे देके ये सोचते रहोगे ना कमी नहीं इतना पैसा लेते बट फैसिलिटी नहीं देते कुछ बराबर एकदम मन की बात आ गई बेटा कर रहे कोशिश कर रहे बेटा नहीं हो गए क्या ये सब ओके ये जो भी क्वेश्चन था डन क्या बच्चों ओके तो हमने कितने मेथड से अभी तक सीखा बच्चों दो मेथड से, बट एक्चुअल में है कितने मेथड पांच तो अभी मैं आपको पांचवे मेथड सिखाने वाला हूँ क्या तो आंसर इज नो समझ रहा है क्या जब भी उसका सही समय आएगा मैं सिखा दूंगा आपको तो अभी तक हमने दो मेथड से सेग्रीगेशन सीखा है कौन से कौन से दो मेथड लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड चलो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है एक बार पढ़ लो क्या है ये व्हाट आर द फाइव मेथड्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ Semi cost into its fixed and कुछ है? तो लेकिन एग्जाम में आ सकता है समझ रहा है क्या थियर क्वेश्चन भी आता है ना एग्जाम में एंड अभी तो एम सी क्यू है अब तो अब कहीं कोने में, में भी कुछ लिखा है वो छोड़ नहीं सकते नहीं समझा आपको मैं क्या बोलू समझा क्या वो सीधा-सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन चलो, तो तो कितने मेथड के के लिए? Five है. तो इसे इस टाइप का इंपॉर्टेंस अब थोड़ा और बढ़ गया एज कम्पेयर टू लास्ट अटेम्प्ट क्योंकि अभी हमारे पास एमसीक्यू भी है ना चलो लिखो देर आर बहुत जोर से बात देर आर फाइव मेथड्स देर आर हाउ मेनी मेथड्स फाइव मेथड्स लिखो पचो देर आर फाइव मैथड्सोर आर फाइव मेथड्स फॉर सेर आर फाइव मेथड्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सेबल कॉस्ट इनटू इट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन उसमें से फिक्स पोर्शन कितना वेरिएबल पोर्शन कितना ये जानने के लिए हमारे पास पांच मेथड है ठीक है बच्चों तो पांच मेथड में से पहला है लिखो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड साइमल्टेनियस इक्वेश मेथड इसका दूसरा नाम क्या है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स तो ब्रैकेट में लिख देना लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड क्या लिखा ब्रैकेट में लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड लिखे क्या साइमल्टेनियस इक्वेश मेथड सेकंड है लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड कौन सा मेथड बच्चो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड तो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड जहां पे है ना उधर बैकेट में लिख देना मोस्ट कॉमनली यूज मेथड क्या लिख रहा है मोस्ट कॉमनली यूज मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है तो हम हमेशा यही प्रेफर करेंगे ना मेथड ये फास्ट भी आंसर लाएगा यूज मेथड कौन सा लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड तीसरा मेथड है हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड कौन सा हाई पॉइंट एंड ये स्पेसिफिक कुछ सिनारियों में जब एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा होता है तभी ये मेथड अप्लाई होता है कब होता है इसके क्या एग्जांपल्स रहते है? देखेंगे हम लोग हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड थर्ड मेथड है ये हाई पॉइंट लो पॉइंट फोर्थ मेथड है ग्राफिकल मेथड कौन सा तो ग्राफिकल मेथड से भी अपन सेग्रीगेशन कर सकते हैं कैसे इसका सिर्फ थ्योरी है अपने पास समझ रहा है क्या क्या करते है? मैं पूरा बताऊं आप मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा लेकिन डोंट वरी ग्राफिकल मेथड एंड लास्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड कौन सा मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड और इंस्टीट्यूट ने इसको मैनेजमेंट जजमेंट मेथड ऐसा भी बोला है क्या बोला है मैनेजमेंट इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है ना कुछ है मतलब इंस्टीट्यूट ने बोला है एक मेथड में ऐसे लिखा है दो लाइन का थ्योरी कि व्हेन मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू डू द सेग्रीगेशन बाय एनी ऑफ द अब मेथड दे कैन यूज देयर ओन जजमेंट दे कैन यूज देयर ओन एंड जजमेंट जो फॉर्म हो रहा है वो पास्ट एक्सपीरियंस यूज करके जजमेंट फॉर्म होगा उनका तो मैनेजमेंट जजमेंट मेथड और इसको लास्ट रिसोर्ट मेथड ऐसा भी बोला जाता है क्या बोला जाता है, ये है अगर कुछ हो ही नहीं तो ये थियोरी क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन तो जो जो एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है बाजू में जैसे लिखा करो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये पढ़ना है अपने को समझ समझता है बच्चों किसके से भाई? अच्छा जो जो है है ना ना सुनो सुनो जो answer है ना, उसका क्वेश्चन भी याद किया करो समझ रहे हैं ना? है, किसके? वो तो पता पांच मेथड किसके पांच मेथड से है सेग्रीगेशन तो देयर आर फाइव मेथड्स यूज्ड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन पहला साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड दूसरा लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड तीसरा हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड चौथा ग्राफिकल मेथड लास्ट ट्रायल एंड एरर और मैनेजमेंट जजमेंट और लास्ट रिसोर्ट मेथड दीज आर फाइव मेथड यूज फॉर सेग्रीगेशन समझा बच्चों? चलो फिर और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइम करेंगे, है ना आपके पास थैंक यू बच्चों क्वेश्चन नंबर एट क्या हुआ कुछ बात करना है तो आप मुझे डायरेक्ट बताया करो हाँ बोलो क्या हुआ पानी गिर रहा है थोड़ा बाजू में हट जाओ फिर पूरे इस पे तो थोड़ा और बाजू में जाओ हाँ और क्या वो कल वाली लड़की है क्या वो भी हाँ और कुछ नहीं नहीं मुझे वही प्रॉब्लम बताओ जिसका मैं कुछ कर सकता हूं फैन बंद करने तो फैन बंद कर दो बेटा से फैन फैन लाइट नहीं फैन बंद करो ओके बंद हाँ और बेटा कुछ कुछ चाय वगैरह मांगो कुछ कॉफी कौ वगैरह कुछ नहीं कुछ भी चलेगा चाय बेटा यहाँ पे इधर मैं सामने होना बेटा इतना अच्छा तो एक काम करो अपना मोबाइल चालू करके रखो उस पर भी आ जाएगा हाँ मोबाइल चालू करके साइलेंट पे रख दो सिर्फ वॉइस बंद करो उसका रख दो तो उसके सामने भी आ जाएगा पूरे बैच तक आ जाएगा अभी क्या पूरे बैच में आप लाइव स्ट्रीम में अगर हो तो मैं एक आठ दिन में आपको मैं एक्सपर्ट का ऐप पे मैं आपको सीरियल की दे दूंगा उस पर आ सकते हो समझ रहे कि नहीं मोबाइल पे देखो बीच बीच में इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल देने ठीक है, की? है की नहीं एंजॉइंग लेक्चर विद सी ए विनोद रेड्डी वो ऐप में मुझे डाल दो है ना क्या बोले थे बेटा नहीं बोलो बोलो बिंदास बोलो बाकी सब ठीक है क्या तुम्हारा स्टोरी उसको क्या जो ब्लेंडेड बैच बोलने का उसको फेस टू तो फेस एंड इसका मिक्सचर और आजकल बहुत जगह इन इंसान ब्लेंडेड अप्रोच यूज़ कर रहा है कुछ कुछ जगह तो मैं क्लास में बोल भी नहीं सकता है कि नहीं चलो करें नहीं हम लोग आपके प्रॉब्लम अगर खत्म हो करेंगे तो अपन करें सॉल्व ये क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट पढ़ते ठीक है अब बस थोड़ा ही टाइम बचा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना है मेरा मुंह बाद में देख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड क्या दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ओके तो ट्वेल्व थाउजेंड्स के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना है के लिए फैक्ट्री ओवरहेड टू लैख सिक्स थाउजेंड अच्छा सुनो सुनोद्या अब तुम बोलोगे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मतलब क्या उससे अपने को अभी कोई लेना देना नहीं है ये क्वेश्चन सेग्रीगेशन का है

हो सकता है बट हम कौन सा मेथड यूज करेंगे लेवल ऑफ एक्टिविटी मोस्ट कॉमनली मेथड सबसे इजी वो भी है कैलकुलेशन एंगल से भी सबसे इजी वही है ना तो so, चलो राइट right आंसर में फर्स्ट पार्ट आंसर में फर्स्ट वर्किंग ध्यान दे रहे हो ना बच्चों क्वेश्चन नंबर एट का आंसर का फर्स्ट वर्किंग गिवन फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट गिवन फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट इज गिवन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज बोलो सेमी वेरिएबल इन नेचर गैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज बोलो सेमी वेरिएबल इन नेचर फैक्ट्री ओवर सेमी वेरिएबल है नेक्स्ट लाइन लेटस सेग्रीगेट इट बाय लेटस सेग्रीगेट इट बाय बोलो बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मैथड लेटस सेग्रीगेट इट बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड लेटस सेग्रीगेट इट बाय लेवल मैथड हम बोलो लेवल ऑफ एक्टिविटी मैथड से कैसे सेग्रीगेट करें क्या लिखो बोलो वेरिएबल किसका वेरिएबल पोर्शन मिलेगा जो भी कॉस्ट आप सेग्रीगेट कर रहे हैं उसका वेरिएबल पोर्शन तो बोलो वेरिएबल क्या फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट तो पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल क्या लिखा था सैलरी उसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखा था वेरिएबल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट याद है क्या भाई तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू बताओ फॉर्मुला क्या है आज डिफरेंस इन कॉस्ट बोलो या चेंज इन कॉस्ट बोलो एक ही है हां चलो कोई बात नहीं डिफरेंस इन कॉस्ट दिया हुआ है डिफरेंस इन क्वांटिटी या चेंज इन कॉस्ट दिया हुआ है चेंज इन क्वांटिटी ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी सही है क्या बोलो फिर डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है बोलो डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है बोलो इज इट रुपीज सिक्स थाउजेंड चलो पूरा लिख लेते मैं रुपीज टू लैक्स थाउजेंड माइनस टू लैक्स टू लैख थाउजेंड माइनस टू लैक्स डिफरेंस इन क्वांटिटी बताओ फोर्टीन थाउजेंड यूनिट्स माइनस ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स सही है बच्चों तो बताओ अभी वेदर डिफरेंस कितना है सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू थाउजेंड यूनिट्स आंसर रुपीज थ्री पर यूनिट रुपीज थ्री पर यूनिट क्या ये थ्री पर यूनिट वेरिएबल फैक्ट्री ओवर कॉस्ट अच्छा वेरिएबल मिल गया तो फिक्स कैसे मिलेगा सेकंड वर्किंग चलेगा क्या इसमें सेकंड वर्किंग बनाते कोई तो एक डेटा यूज करना पड़ेगा अच्छा ट्वेल्व थाउजेंड का करू या फोर्टीन थाउजेंड का करू या कुछ भी चलेगा कुछ भी चलेगा तो आपके हिसाब से आप ले लो मैं चलो ट्वेल्व थाउजेंड ले रहा हूं थाउजेंड यूनिट्स यूजिंग डेटा ऑफ बोलो ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट ट्वेल्व थाउजेंड इसका डेटा यूज कर रहे हैं बच्चों हम लोग कितने यूनिट्स का ट्वेल्व थाउजेंड इसका डेटा यूज कर रहे हैं हाँ बोलो क्या मिलेगा आपको वो डेटा यूज करके फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर द पीरियड अच्छा कुछ नहीं दिया इसलिए फॉर द पीरियड समझ रहे ना बच्चों फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर द पीरियड तो बोलो बारह हजार के लिए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना था दो लाख अच्छा दो लाख में से वेरिएबल कितना था रुपीज थ्री पर यूनिट इंटू ट्वेल्व तो थाउजेंड यूनिट ना, और तो बोलो है फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द पीरियड, समझा क्या बच्चों? अच्छा बताओ दो क्वेश्चन का आंसर दिए क्या हम लोग अभी तक तीसरा क्वेश्चन क्या था बताओ यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन पूछा था हम बोलो फाइन फैक्ट्री फॉर कितना कितना अच्छा सुनो ध्यान से। अब वहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर नॉर्मल कैपेसिटी फॉर पीरियड इज़ सुन रहे हो क्या? अब वैसे ही करने वाले जैसे पहले क्या था अगर मुझे सोल्व करना है तो अब समझो क्या लिखो मैं बोलो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फैक्ट्री बोलो कॉस्ट फॉर 18000 यूनिट्स तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर 18000 यूनिट्स इज इक्वल टू कैन आई से इट इज हां बोलो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट प्लस बोलो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ना हम लोग यस और नो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं यार कितनी बार बोलो फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट कितना है है बोलो कितना फॉर द पीरियड क्या फिफ्टी फोर था प्लस थाउजेंड क्या आंसर टू लैख एन थाउजेंड टू लैख एटीन थाउजेंड ये आंसर है क्या कितने लोगों को समझाए समझा ना जनरली हाथ ऊपर करते लो, ऐसे, तो, लोग ऐसे यस रहा तो नॉर्मल लोग ऐसे हाथ ऊपर करते तो कितने लोगों को समझाए वेरी गुड मुझे लगा कुछ दूसरा कम्युनिकेशन का तरीका रहेगा इसलिए मैं एक्सप्रेसली बताया ना ओके okay. ध्यान दे रहे हो कि यहां पर मिनट एक मिनट प्लीज मुझे बताओ बच्चों ये क्लासरूम का रेंट पेबल फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है अगर कोई मैं और कुछ नहीं बता रहा तो फिक्स क्या? फिक्स ये का है, 630 ये कितना कर सकता है? बाकी के स्टूडेंट्स दूसरे क्लास में आप भी जानते हो है या नहीं वहां पे भी ये सब कुछ चल रहा है प्रोजेक्टर पे बट वो राइट वहां पे बैठ के वो देख रहे हैं सब कुछ ये. है या नहीं आप ध्यान दे रहे हो सब लोग

मुझे कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा मुझे कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा है या नहीं यहाँ पे एक मंगल कार्यालय है है सामने लेन में जिसका कैपेसिटी चेयर से उधर तो मैं वो हायर कर लूंगा समझा क्या आपको बोल दूंगा कि भाई थोड़ा आपको इधर आना पड़ेगा थोड़ा वो पांच मिनट दो मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है बट आप वहां पे लेंगे बैच थोड़ा आप बोलेंगे बाद में बराबर है कि नहीं आप समझ रहे हो क्या जस्ट ऐसा कुछ नहीं होने का एग्जाम्पल आप ध्यान दे रहे हो क्या बट आप मुझे बताओ जो काम मेरा पांच लाख में हो रहा था अब वहां पे मुझे मैं कैपेसिटी क्रॉस कर दिया तो समझा क्या तो यहाँ पे कैपेसिटी कितना है अपना बोलो बीस हजार कितना है एंड हम कितने बना रहे अठारह हजार मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है

कैपेसिटी क्रॉस करके आगे जाना है अपने को तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगा ना समझो एक फैक्ट्री है क्या है आई नो फैक्ट्री का कैपेसिटी है मंथली समझो एक मिनरल वाटर बनाता है वो ये बोतल बनाता है आई नो फैक्ट्री का कैपेसिटी मशीन का भी एक कैपेसिटी होगा कि नहीं वो मशीन का कैपेसिटी है डेली 10000 कितना

समझता है क्या जब तक वो कैपेसिटी क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक तुम्हारा फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम कुछ गया है दिमाग में पक्का यस yes. तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया क्या आज कि भाई हम ये मेथड डील कर सकते हैं कुछ बहुत ज्यादा सिखाया गया अभी तक हमने बस और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस आज ठीक है आपको मैं पूछा नहीं बताया ओके क्वेश्चन नंबर नाइन आपने एक बार पढ़ेंगे चलेगा क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ लो चलो हाँ पहले वाला लिखना बाकी है ये लिखना बाकी है क्या थर्ड वाला वर्किंग ना ये सेकंड वाला हो गया था क्या थर्ड वाला लिखो एंड जिनका हो चुका है आप क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ो क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ रहे हो क्या चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ो वन है क्या नंबर है क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे क्या सब लोग इसको तकलीफ हो ठीक है चलो भाई क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ना है सबको आपके पास बुक है ना नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे ना क्वेश्चन नंबर नाइन अच्छे से पढ़ के रखो दो मिनट थोड़ा सोच के रखो अपने को कैसे सॉल्व करने मैं वो क्लास में जाके आ तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन अपन सॉल्व करेंगे बस आज का लास्ट क्वेश्चन है चलेगा ना चलो बताओ बच्चों प्लीज प्लीज आवाज थोड़ा कम करो अब आपको या वापस अभी लगेगा यहाँ पे कुछ लोगों को कि सर ये प्राइम कॉस्ट क्या होता है फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो रेड कॉस्ट मैंने बोला कि आपको मैंने सिखाया करके बट सेग्रीगेशन करने का, का काम तो हो ही सकता है ना वो कॉस्ट का नाम कुछ भी रहने दो यस और नो

इन दोनों का टोटल को क्या बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट मतलब यहाँ पे शायद आपको समझता होगा, कि का कुछ ऐसा होगा मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ बट मुझे कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना है या नहीं तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओर टू फैक्ट्री कॉस्ट ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये और नो तो चलो राइट ऑन फर्स्ट वर्किंग फर्स्ट वर्किंग लिखो एनालिसिस ऑफ कॉस्ट क्या लिख रहा है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऐसे लिखो आप बच्चों फर्स्ट वर्किंग एनालिसिस ऑफ कॉस्ट कॉस्ट क्या क्या है हम एनालाइज करेंगे फर्स्ट वर्किंग एनालिसिस ऑफ कॉस्ट उसके अंडर ए कॉस्ट में पहला कॉस्ट कौन सा दिया हुआ है प्राइम कॉस्ट क्या दिया है आप मुझे बताओ प्राइम कॉस्ट जो क्वेश्चन में दिया है वो फिक्स है वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है देख के बता, देख के के बताओ। अच्छा वो फिक्स्ड है क्या दो कॉलम में अलग अलग नंबर है फिक्स तो नहीं है।, अच्छा ये है, क्या? है? आपको कैसे पता चला? अच्छा, दो लाख डिवाइड बाई बी पर यूनिट टू लाख फिफ्टी था यूनिट पर यूनिट सेम निकला मतलब कहना अगर वो बड़ा है तो प्रोपोर्शनेटली बड़ा है जिस प्रपोर्शन में आउटपुट बढ़ा उसी प्रपोर्शन में कॉस्ट बढ़ा इसका उसकी वजह से तो पर यूनिट सेम रहा ना यस और नो उसकी वजह से इट इज वेरिएबल कॉस्ट इट इज वेरिएबल कॉस्ट प्राइम कॉस्ट जो है इट इज अ कॉस्ट चलो बोलो वेरिएबल है तो आप बताओ सेग्रीगेशन करने की जरूरत है क्या

टोटल कॉस्ट कितना है का दो लाख माइनस बीस हजार इंटू दस ये वेरिएबल है मतलब दो लाख में से दो लाख वेरिएबल है सेग्रीगेट किसी ने कर भी लिया वो चेहरे पर नहीं रिएक्शन कुछ है मन दे कुछ लोग तो है कि नहीं मर गया यहां पर तो पांच मिनट के बाद समझेगा उसको है कि नहीं तो बराबर है कि नहीं मैं समझो यहाँ पे हार्ट अटैक करके गिर गया तो भी कुछ लोग पास पहले तो तीन मिनट ऐसे देखेगा और बाद में तीन मिनट क्या बोलेगा एम्बुलेंस है कि नहीं इतने मंद है यार। अच्छा मुझे क्या बोल रहा समझ रहा है कि आपको ये चलो बता प्राइम कॉस्ट फिक्स है वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है अच्छा किसी ने मूड आया सेग्रीगेशन कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है क्या तो उसका फिक्स प्राइम कॉस्ट जीरो ही आएगा एंड वेरिएबल टेन आएगा बट जब हमें क्लियरली पता है वेरिएबल तो हम सेग्रीगेशन करते बैठेंगे क्या नहीं तो उसके नीचे लिखो बोलो वेरिएबल प्राइम कॉस्ट पर यूनिट समझा क्या जो भी है वेरिएबल ही है समझता है क्या आपको ये वेरिएबल है इसलिए पर यूनिट वेरिएबल ऐसे नहीं, नहीं लिखा प्राइम कॉस्ट पर यूनिट ऐसे लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बोलो कितना है प्राइम कॉस्ट पर यूनिट इट टू लैक्स डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट या आप ऐसा भी कर सकते थे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यूनिट्स सही है आंसर इज रुपीज टेन ठीक है पर यूनिट लिखो बड़ा पर यूनिट का शौक है इधर दो दो बार लिखते हैं मैंने नहीं लिखा तो भी ऐसा बोलते हैं मुझे पर यूनिट लिख लिखा है ना भाई इधर रुपीज टेन पर यूनिट सही है क्या दिस वेरिएबल प्राइम कॉस्ट पर यूनिट चलो बी क्या लिखो आप बोलो चेक के और क्या करना है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट में पहले हमने कौन सा कॉस्ट एनालाइज किए प्राइम कॉस्ट अब कौन सा कॉस्ट एनालाइज कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट चलो बोलो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट देख के आप मुझे बताओ वो फिक्स है क्या फिक्स होता तो दोनों नंबर सेम होते अच्छा ये वेरिएबल है क्या वेरिएबल होता तो दोनों में पर यूनिट सेम होता है कि नहीं तो क्या है सेमी वेरिएबल तो राइट डाउन इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट हाँ बोलो सेमी वेरिएबल तो क्या करें फिर सेग्रीगेट करते हैं तो राइट डाउन लेट अस सेग्रीगेट इट लेट अस सेग्रीगेट अगर सेग्रीगेट कर ही रहे उन्होंने कुछ मेथड के बारे में बोला नहीं है तो हम क्या करेंगे लेवल ऑफ एक्ट कोई बोलेगा नहीं सर मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बहुत पसंद है कर लो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं बट तो मुझे नहीं लगता ऐसा बोलोगे कोई लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड बेस्ट है ना लेट अस सेग्रीगेट इट बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड लेट अस सेग्रीगेट इट बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड से सेग्रीगेट करते हैं क्या फॉर्मूला यूज करूं वेरिएबल क्या कॉस्ट हाँ बोलो फैक्ट्री ओवरहेड देखो ऐसे कैपिटल ओ एच लिखा मतलब ओवरहेड समझता है ना एंड ये एग्जाम में भी आप लिख सकते हो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे समझ रहा है क्या वेरिएबल कैपिटल ओ एच लिखा मतलब ओवरहेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू बोलो डिफरेंस इन कॉस्ट या चेंज इन कॉस्ट जो लिखना है लिखो चेंज इन कॉस्ट जो बाय चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी तो बोलो चेंज इन कॉस्ट कितना है रुपीज वन लाख सिक्सटी थाउजेंड माइनस वन फिफ्टी थाउजेंड वन सिक्सटी थाउजेंड माइनस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स सही है टोटल मेजिट रुपीज टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव थाउजेंड यूनिट आंसर रुपीज टू पर यूनिट रुपीज टू पर समझा बच्चों अच्छा वेरिएबल मिल जाएगा तो फिक्स भी मिल जाएगा क्या फिर कोई भी एक डेटा यूज करो यूजिंग डेटा ऑफ कौन सा डेटा यूज करो ठीक है चलो ट्वेंटी थाउजेंड आप बोल रहे हो तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का किसी ने यूज किया तो प्रॉब्लम है, कुछ? है क्या कुछ यूजिंग डेटा ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स ट्वेंटी थाउजेंड्स का डेटा यूज करते एंड क्या क्या फाइंड करेंगे जिसका भी सेग्रीगेशन कर रहे उसका फिक्स पोर्शन समझा क्या तो किसका सेग्रीगेशन कर रहे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर द पीरियड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दीरियड इज इक्वल टू बोलो ट्वेंटी थाउजेंड के लिए टोटल कितना था वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वन लाखी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट इन टू रूपीज टू पर यूनिट तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड एंसर इज वन लैख टेन थाउजेंड वन लाख टेन थाउजेंड इज

अच्छा थर्टी थाउजेंड यूनिट जो है इज इट वेल विद इन नॉर्मल कैपेसिटी इज इट वेल विद इन नॉर्मल कैपेसिटी चलो फिर लिखो लिखेंगे क्या आंसर जगह बची है क्या कुछ बची है ना बची है कि नहीं जगह ओके चलो राइट ऑन सेकेंड क्या लिखना है मेरे मेरे पास कोई टेंशन नहीं भाई मैं कितना भी छोटा मोटा उसको सब कर सकता हूँ ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग हाँ क्या करना है बताओ क्या फाइंड करना है अपने को फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी फाइन करना है थर्टी थाउजेंड यूनिट्स तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ थर्टी थाउजेंड यूनिट्स कैलकुलेशन ऑफ बोलो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ थर्टी थाउजेंड यूनिट्स थर्टी थाउजेंड यूनिट्स का फैक्ट्री कॉस्ट फाइन करना है अपने को कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स थर्टी थाउजेंड लिखे क्या आप लोग अच्छा वैसे हम लोग अभी यहाँ पे फॉर्मुला लगा के भी कर सकते हैं बट अपन टेबल में सॉल्व करेंगे आप दो चार लाइन तो रहेंगे ना तुम्हारे पास इतनी तो जगह रहेगी ना आपके पास नहीं है नहीं है तो फिर इसमें लिखा मत करो फिर नोटबुक में लिखा करो मेरे ख्याल से मैंने सफिशियंट जगह छोड़ी है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ थर्टी थाउजेंड यूनिट उसमें लिख देना पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट क्या लिख रहा है पर्टिकुलर्स एंड एक काम करो अमाउंट के दो कॉलम बनाओ अमाउंट अमाउंट तो इसको इनर कॉलम आउटर कॉलम बोलते है? पता है ना आपको ये पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है बच्चों बस चार लाइन पांच लाइन की जगह चाहिए उतना तो रहेगा ही ना उससे भी ज्यादा है ना वेरी गुड यस क्या फाइंड कर रहे बच्चों अपन लोग बोलो

लिख रहा है क्या आउटर कॉलम में लिखो थ्री लैक्स लिखे बच्चों? तो प्राइम कॉस्ट थ्री लैक्स है बी लिखो फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट क्या लिख रहा है फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट लिखे क्या उसमें लिखो फिक्स्ड, क्या लिख रहा है फिक्स्ड। बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना था फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना था वन लाख टेन थाउजेंड उसके नीचे लिखो वेरिएबल लिख रहे हो क्या वेरिएबल तो बोलो वेरिएबल कितना था तो थर्टी थाउजेंड इंटू टू कितना बोलो सिक्सटी थाउजेंड मैंने कहा लिखा देखा क्या आपने वन लाख टेन थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड कहा इनर कॉलम में लिखा है आउटर को तो मतलब वो फैक्ट्री ओवरहेड में से ही फिक्स कितना वेरिएबल कितना ये था ना

ये तो क्वेश्चन से समझ रहा था कि नहीं अपने को क्या आंसर है बोलो 470000 दिस इज द आंसर 470000 इज द आंसर सो दिस इज द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स हाउ मेनी यूनिट्स 30000 यूनिट्स फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स 30000 यूनिट्स टफ था बच्चों ये अच्छा एक एक मिनट <coughs> ध्यान दे रहे हो यहां पे

देखो मैं एक बार बार दिमाग खराब हो गया ना तो प्रॉब्लम है फिर आपने सुना रहेगा मेरे बारे में जितना अच्छे से मैं बात कर रहा हूँ में बोल के उतना अच्छा मैं हूं नहीं समझ रहे कि नहीं वो तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो है कि नहीं ठीक है जब मैं मजाक कर रहा हूं तब कुछ भी करो मेरे सर पे बैठो मुझे पॉल नहीं है पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब नहीं यार ओके तो फैक्ट्री कॉस्ट दिख रहा है क्या आपको ये बताओ चेंज इन कॉस्ट कितना है बच्चों चेंज इन कॉस्ट सिक्सटी थाउजेंड अरे फैक्ट्री कॉस्ट देखो भाई डायरेक्टली उसका ब्रेकअप छोड़ दो चेंज इन कॉस्ट कितना है टोटल तीन लाख पचास हजार था तो बीस हजार इंटू ट्वेल्व दो लाख चालीस हजार ये वेरिएबल है टोटल तीन लाख पचास हजार है तो फिक्स कितना हुआ एक लाख दस हजार

वो तो रफ में सॉल्व करेंगे ना फिर हम लोग अब अब हो सकता है कि है कि ये practical question MCQ में MCQ मतलब नहीं. मतलब जिसका solution उनको नहीं चाहिए, direct option चाहिए. मतलब नहीं. मतलब नहीं 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 जिसका उनको चाहिए चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रह सकता है ना यही क्वेश्चन रहता तो अपन इतना रामायण करते क्या करते समझा क्या चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएबल बोल मिल जाता वेरिएबल निकाल दो टोटल में से फिक्स मिल जाएगा यस और नो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा अपने को या थोड़ा दिमाग लगाते देखो अगर डाइजेस्ट होता है तो बीस हजार यूनिट का कॉस्ट कितना था तीन लाख पचास बढ़े तो कॉस्ट कितना बढ़ा साठ हजार से तो और पांच यूनिट से और साठ से कॉस्ट बढ़ेगा चार लाख दस हजार प्लस साठ हजार चार लाख सत्तर हजार जो बढ़ने वाला है वो वेरिएबल रहने वाला है फिक्स तो वैसे भी अभी भी साढ़े तीन लाख के अंदर तो 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 यही लॉजिक है ना चेंज इन कॉस्ट जो कॉस्ट कितना था पांच हजार तो हम क्या बोले साठ हजार से कॉस्ट बढ़ा बिकॉज प्रोड्यूस फाइव थाउजेंड इंड मोर साठ हजार से कॉस्ट पड़ा बढ़ा बिकॉज प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स मोर तो जो बढ़ा, वो कौन सा कॉस्ट था भाई yeah. वेरिएबल क्योंकि उसके दो, इसके अंदर जो फिक्स था, वो तो दोनों में था ना yes or no. अच्छा सुनो ये फिक्स कॉस्ट था कितने वेरिएबल पच्चीस हजार का बढ़ा तो ये जो डिफरेंस है ये फिक्स की वजह से है ही नहीं ना ये डिफरेंस किसकी वजह से है इसलिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना चेंज इन कॉस्ट कॉस्ट चेंज इन क्वांटिटी आंसर आता है वेरिएबल पर यूनिट यस और नो तो अपन डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो अपने को दस सेकेंड चाहिए आंसर देने के लिए बट अगर ये डिस्क्रिप्टिव है तो ये पूरा लिखना ही पड़ेगा जिसको अपने को दस मिनट लग गए कम से कम पांच दस मिनट तो लगी गए ना यस और नो तो आज अपन क्या सीखे How many methods चलो नोटबुक बंद कर दो तो तो हो गया। How many methods Five. बिना कहीं पांच मेथड के नाम याद आ रहे बताओ। Simultaneous equations method. Level of activity method. देखो बच्चों अब थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू भी है इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं आपको ये। तीसरा हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड चौथा ग्राफिकल मेथड पांचवा ट्रायल एंड एरर और मैनेजमेंट जजमेंट और लास्ट रिसोर्ट मेथड और एक बार बताओ पांचों नाम साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड ग्राफिकल मेथड लास्ट रिसोर्ट मेथड ट्रायल एंड एरर और मैनेजमेंट जजमेंट ये क्या था किसके पास मेथड थे मेथड्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू इट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन याद रहेगा बच्चों तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ नेचर में हमने तीन टाइप पढ़े कौन से कौन से फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल कल थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन चलेगा बच्चों बच्चो सॉफ्टवेयर फॉर द डे थैंक यू वेरी मच